अच्छा, आप लोगों में से कुछ लोगों का कमेंट आया था कि सर ये बताइए कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ये जो इंजीनियरिंग ब्रांच है और सिविल इंजीनियरिंग, क्या 2025 तक इनका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा? जितनी तेज से कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मार्केट में अपने पैर पसार रहा है, क्या ऑब्वियसली इन ब्रांचों का स्कोप खत्म हो जाएगा? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अगर हम बात करें देखो 2025 तक ना, तो कुछ चीज़ें तो मॉडिफाई हो जाएंगी, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो अभी जो करंट सिनेरियो है ना, लोग क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडिया में एक रूल है कि जो ट्रेड चलता है दब के उसमें लोग एडमिशन लेते हैं। कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इतने एडमिशन हो रहे हैं ना कि शायद कॉलेज वाले भी कन्फ्यूज हो रहे हैं कि हमारी ब्रांच 60 से 120 कर दिया जाए कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल में आप देखोगे आधे ब्रांच में मतलब आधी सीटें खाली हैं कॉलेजों में। ये हो गया कि सिविल मैकेनिकल, जिसको इंजीनियरिंग का बादशाह कहा जाता था, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के आज उसमें सीटें खाली जा रही है। तो ये वक्त का ही फेर है, वक्त की डिमांड है। लेकिन कुछ चीज़ें अगर मैं बता दूँ कि जैसे आप पुरानी टेक्नोलॉजी पे अगर आप काम कर रहे हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे सिविल हो, पुरानी टेक्नोलॉजी 2025 तक ख़त्म हो जाएगी, सारी नई टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही हैं, तो वो नई टेक्नोलॉजी को आपको जानना होगा। एक एग्जाम्पल दे दें, मैकेनिकल इंडस्ट्री में ईवी की मार्केट, इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट बहुत तेजी से पैर पसार रहा, तो ईवी में जो जाएगा, आईओटी में जो जाएगा, उसका करियर बनेगा, ना कि पुराने ढर्रे पे जो टेक्नोलॉजी चल रही थी उस पे जाकर के आप लोग करियर आगे बढ़ा सकते हो। अब ऐसा कहीं नहीं है कि देखो 2025 तक ना कंप्यूटर साइंस और आईटी के बहुत सारे इंजीनियर होंगे, जितने इंजीनियर्स हैं उतनी डिमांड भी है, ऐसा नहीं है, फ्यूचर अच्छा है ही है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ही नहीं बचेंगे। आने वाले 4-5 साल में ना आप देखना कि इंजीनियरों की कमी हो जाएंगी इन ब्रांचों में, और इन ब्रांचों में जब इंजीनियरों की कमी होगी तो ऑब्वियसली जॉब आएगी ही आएगी, जॉब तो आना ही आना है। और जब जॉब आएगा तो फिर वहाँ से आपका माइंडसेट चेंज होगा। तो जो लोग इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं, वो लोग 2025 तक देखो, जैसे 2021 में जिन लोगों ने एडमिशन लिया था, 2022, 23, 24, आप 25 में जब भी आप पास आउट हों, जिस ईयर में पास आउट हो, 2022 में जिन लोगों एडमिशन लिया है, 22, 24, 26, 2026 में पास आउट होंगे, तब जाकर के आप उस ब्रांच का देखो। ये नहीं कि फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में ही देखना शुरू कर दे रहे इस ब्रांच का स्कोप है या नहीं है, 4 साल बाद जब आप पास आउट होगे तब उसका स्कोप कितना रह जाता है, 4 साल बाद जब आप जाओगे तब उसका स्कोप कितना रह जाता है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में जब बंदे ही नहीं बचेंगे, इंजीनियर्स ही नहीं बचेंगे, तो वहां पे कहानी कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी होनी है। आने वाला टाइम जो है ना वो थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, 2-4 सालों में बहुत ट्विस्ट होने वाला है इंजीनियरिंग फील्ड में, और वो ट्विस्ट यही है कि लैक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर, लैक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इन सारे इंजीनियरों की डिमांड बहुत ज़्यादा कम रहेगी, और हमें लगेगा कि काश हमने इंजीनियरिंग कर ली होती तो हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट होता। तो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्कोप खत्म हो जाएगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, स्कोप बढ़ेगा और बढ़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, चीज़ें बढ़ रही हैं तो और बढ़ेगा। लेकिन हाँ, रेशियो जब आप देखोगे ना, इंडिया में एक माइंडसेट है कि जो चीज़ें अच्छी चल रही है सब लोग उसी के पीछे भाग जाते हैं। जैसे पहले पहले मैं बता दूँ कि एक टाइम था कि MBA बहुत तेज़ी से चला था, लोग MBA के पीछे भागने लगे, MBA जब पिटने लगा तो लोग बीटेक चला, पहले BE चलता था, बीटेक चला, बीटेक जब चलने लगा धुआंधार तरीके से एडमिशन बीटेक में हुआ, और बीटेक में खूब एडमिशन हुआ, इतना एडमिशन हुआ जब तक बेरोजगारी के न्यूज़ नहीं आने लगे कि प्यून के फॉर्म भर रहे बीटेक करके, कुछ और कर रहे हैं, तब तक ये प्रोसेस चलता रहा। उसके बाद फिर अगला कदम क्या हुआ, अब पॉलिटेक्निक बच गया, लोग पॉलिटेक्निक में भी जाने लगे कि अरे चलो बीटेक तो बेकार हो गया, पॉलिटेक्निक में चले जाओ, पॉलिटेक्निक में भी क्राउड फैला है। उसके बाद फिर ITI तक को नहीं छोड़ा यार लोगों ने, तो ITI तक में ये चीज़ कर दी है। लेकिन उससे डरने की कोई बात नहीं है, अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो जॉब आज भी आप लोगों के लिए है, पोटेंशियल नहीं है तो कभी नहीं है आपके लिए जॉब। तो उस हिसाब से प्राइवेट इंडस्ट्री में देखो, प्राइवेट इंडस्ट्री में सिनेरियो चेंज होता रहता है। अब गवर्नमेंट संस्थाएं भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ बहुत तेजी से मूव ऑन कर रही हैं, तो आपको भी अपना माइंडसेट चूज कर लेना चाहिए, उसी अकॉर्डिंग माइंडसेट कर लेना चाहिए। और ऑब्वियसली जो फ्यूचर में ब्रांच हैं, जिन ब्रांचों का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ठीक है, लेकिन जिनका स्कोप नहीं बढ़ रहा है वो भी ब्रांच 4 साल बाद बेटर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि
नंबर ऑफ इंजीनियर्स उसमें बहुत कम होंगे। एक एग्जांपल मैं दे दूं, जैसे एग्रीकल्चर इंजीनियर और केमिकल इंजीनियर्स बहुत कम मिलते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियर्स की जॉब सबसे पहले लगती है, केमिकल इंजीनियरिंग किया बंदा बहुत जल्दी जॉब मिल जाती है। केमिकल वालों के लिए भी स्कोप अच्छा खासा है क्योंकि नंबर ऑफ इंजीनियर्स बहुत कम है। ऑल्दो माइंडसेट वही होता है लोगों का, कह रहे यार स्कोप नहीं इसलिए इसको नहीं करते हैं, इसमें पैसा नहीं इसलिए इसको नहीं करते हैं, इसमें ये नहीं इसलिए इसको नहीं करते हैं। तो वो माइंडसेट है, तो आपको वो माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। जब तक आप वो माइंडसेट चेंज नहीं करोगे तब तक आप अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही होगा। इस वीडियो आपको समझ में आया होगा, जो लोग टेलीग्राम पे हो करंट चैनल टेलीग्राम पे भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, कमेंट पिन कर दे रहा हूं, वहां पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।